हे गाइज, मेरा नाम है राज और आप सभी देख रहे हैं रियल लाइफ ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी का नया साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, मेरे घर के पास में ही एक तालाब है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस मैं वहाँ पर घूमने के लिए आ गया था अपनी जीप से, और ये मेरी पीछे जीप, और ये रहा मेरा छोटा भाई जो कि मेरे साथ में आया हुआ है। तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और फिर चलेंगे अपने घर तरफ, और जीप की भी थोड़ा राइडिंग क्वालिटी दिखाएंगे कि इस टाइम मेरी जीप कैसी चल रही है। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए, वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा जो कि हमें देखने के लिए मिलता है, और उस साइड अपना सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने में हमें लग रहा है आज। और ये रही अपनी गड्डी, और दोस्तों इस साइड जो है बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। मतलब इस साइड दोस्तों एक बगीचा टाइप का है अपना, जहाँ मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो गाइस मैं यहीं पे आता था और बहुत ज़्यादा मस्ती करता था इस सभी जगहों में। और दोस्तों वहीं उस साइड आगे मेरा घर भी। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएँ और ये सब चीज़ें मत बहाएँ यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग गंदगी फैला के चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीथीन पड़ी हुई है, और उस साइड भी बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों ऐसी जगहों में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो गाइस, यहाँ की गंदगी देख के मेरा तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया यहाँ आने का। तो चलिए राइड क्वालिटी दिखाते हैं अपनी जीप की, आपकी अपनी जीप कैसी चलती है, और वहाँ पर थोड़ा हल्का ऑफ रोडिंग भी करेंगे। चलिए आगे वीडियो को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपनी अब गाड़ी निकालने वाला हूँ। कैमरे में दोस्तों हो सकता है आप इतना जस्टिस ना कर पा रहे हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत यहाँ पे गहरा गड्ढा है, और यहाँ से अपनी जीप निकालूंगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आ रही है हमारी जीप धीरे धीरे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फुल्ली ऑफ रोडिंग व्हीकल है, आ गई आराम आराम से। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पास एक मंदिर है, इधर देख सकते हैं रागो बिहारी मंदिर। फाइनली आ चुके हैं अपने हम मंदिर के पास में, और चली चलते हैं मंदिर के अंदर और भगवान के दर्शन लेते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर अपने, यहाँ पे पीछे लिखा है श्री सीताराम। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि चंदन कैसा लग रहा है। चंदन देख सकते हैं, इससे चंदन लगाते तक नहीं बना आज तक। तो दोस्तों चलते हैं अपने हम घर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इधर उधर घूमते हुए। और चलिए फिर अपने घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज हमें, और दोस्तों यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपके पास ये गाड़ी है तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा अजीब सा रास्ता है, जीप गाड़ी होने का दोस्तों मज़ा ही कुछ अलग है। अगर आपके पास जीप जैसी गाड़ी है तो आप, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी है और इतना ज़्यादा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और इसके इंजन में बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर है। पता नहीं इसे कंपनी ने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया, बट ये दोस्तों गाड़ी बहुत ज़्यादा सही है अपनी। और अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो हमें दोस्तों गाड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज ये आ चुका है अपना घर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आम के दो पेड़ हैं, इनके बीच से गाड़ी को निकालना है और अंदर खड़ी करना है। तो वीडियो करते हैं पर हम लोग एंड, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में आप लाइक करें और कमेंट बताएं कि वीडियो को कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।